गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगा उदयपुर के बारे में। उदयपुर भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक नगर है। यह राजस्थान का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो अपने इतिहास, सांस्कृतिक और अपने आकर्षण स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। इसे पूर्व के वेनिस के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में रेवाड़ी, डंगी, ब्राह्मण, राजपूत, भील, मीणा के साथ कई अन्य जातियां निवास करती हैं। मेवाड़ की राजधानी उदयपुर की स्थापना 1569 में महाराजा उदय सिंह ने की, किंतु तिथि को लेकर इतिहासकारों के अलग-अलग मत हैं। कुछ इतिहासकार हिंदू कैलेंडर के अनुसार उदयपुर की स्थापना आखा तीज के दिन मानते हैं, तो कुछ का कहना है कि उदयपुर की स्थापना 15 अप्रैल 1553 में की गई थी, जिसके प्रमाण उदयपुर के मोती महल में मिलते हैं, जिसे उदयपुर का पहला महल कहा जाता है, जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसकी सुरक्षा मोती नगरी ट्रस्ट कर रहा है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, जो महाराणा प्रताप के पिता थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के मेवाड़ का संचालन करते थे। उस समय चित्तौड़गढ़ निरंतर मुगलों के आक्रमण से घिरा हुआ था। इसी दौरान महाराणा उदय सिंह अपने पुत्र अमर सिंह के जन्म के उपलक्ष्य में मेवाड़ के शासक भगवान एक लिंगन जी के दर्शन करने के लिए कैलाशपुरी आए थे और यहाँ आयड़ नदी के किनारे शिकार के लिए डेरे डाले हुए थे। तब उनके दिमाग में चित्तौड़गढ़ पर मुगल आतंकियों के आक्रमण को लेकर सुरक्षित जगह राजधानी बनाए जाने का मंथन चल रहा था। इस दौरान उन्होंने एक शाम अपने सामंतों के समक्ष उदयपुर नगर बसाने का विचार रखा, जिसका सभी सामंत तथा मंत्रियों ने समर्थन किया। उदयपुर की स्थापना के लिए यह जगह तलाशने पहुंचे, तब उन्होंने पता चला कि यहाँ पहला महल बनवाया, जिसका नाम मोती महल दिया, जो वर्तमान मोती महल पर खंडर के रूप में मौजूद है, जिसको लेकर कई इतिहासकारों का मानना है कि मोती महल उदयपुर का पहला महल है और एक तरह से इसके निर्माण के साथ ही उदयपुर नगर की शुरुआत हो गई थी। उदयपुर की सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। उदयपुर की स्थापना में 5000 साल पहले आयड़ नदी के किनारे सभ्य मौजूद थी। विभिन्न उल्लेखन के सत्रों से पता चलता है कि प्रारंभिक बसावट से लेकर 18वीं शताब्दी तक यहाँ कई बार बस्तियां उजड़ी और बसाई। मेवाड़ के मुख्य पर्यटन स्थल हैं पिछोला झील, जग निवास द्वीप, जग मंदिर, सिटी पैलेस। पिछोला झील ऐतिहासिक दृष्टि से इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा के काल में इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। इस झील के बीचों बीच एक नकनी का चबूतरा बना हुआ है और महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद झील का विस्तार कराया था। झील में दो द्वीप हैं और दोनों पर महल बने हुए हैं। एक है जगनिवास, तो जो अब लेक पैलेस होटल बना हुआ है, और दूसरा है जग मंदिर। दोनों ही महल राजस्थानी शिल्प कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। जगद्यू पिछोला झील पर बने द्वीप पैलेस में से एक महल, जो अब सुविधाजनक होटल के रूप ले चुका है, उसे जग निवास द्वीप के नाम से पहले जाना जाता था। जग मंदिर पिछोला झील पर बना एक अन्य द्वीप पैलेस, यह महल महाराजा कर्ण सिंह द्वारा बनाया गया था, किंतु महाराजा जगत सिंह ने इसका विस्तार किया था। महल से बहुत शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। सिटी पैलेस प्रसिद्ध और शानदार सिटी पैलेस उदयपुर के जीवन का अभिन्न अंग है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा महल है।
इस महल का निर्माण शहर के स्थापक महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था। इसके बाद आने वाले राजाओं ने इसके विस्तार कार्य किए तो भी इसके निर्माण में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। शिल्पग्राम।